खबर शामिल करते हैं टंडो आदम से। टंडो आदम में जयपुर मीनार पलाही ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्शन 22/21 मुनाकिद किया गया। 7 रुकनी कमेटी, 3 रुकनी मेंबर कमेटी और 5 रुकनी मजलिस शौरा मुंतखिब किए गए। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ साबर अबासी की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर मीनार पलाही ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्शन 22/21 मुनाकिद हुआ, जिसमें 7 रुकनी कमेटी में अब्दुल गफार को सदर, मोहम्मद नासिर को नायब सदर, मोहम्मद सलीम मदनी को जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद जावेद गनी को ज्वाइंट सेक्रेटरी, आमिर इकबाल को खाजन चीफ, मोहम्मद रमजान को नशर अशाद सेक्रेटरी, सैयद काशिफ इस्लाम को ऑफिस सेक्रेटरी इलेक्शन के जरिए मुंतखब किया गया, जबकि 3 रुकनी मेंबर कमेटी के लिए सैयद अमजद अली, शहाबुद्दीन और मंसूर अहमद को मुंतखब किया गया। दूसरी जानी 5 साल के लिए मजलिस शौरा कमेटी की भी इलेक्शन कराई गई, जिसमें नईमुद्दीन को चेयरमैन, सैयद शौकत अली को वाइस चेयरमैन, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद यकूब, सैयद अशरफ अली को 5 साल के लिए मजलिस शौरा के लिए मेंबर मुंतखब किया गया। बरादरी के इलेक्शन में कामयाब होने वाले 9 मुंतखब ओहदेदारान से मजलिस शौरा ने हलफ भी लिया। इस मौके पर नए मुंतखब सदर अब्दुल गफार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अपनी बरादरी के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए खिदमत सरंजाम देता रहूंगा और बरादरी के फंड से अस्पताल का क्याम अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों और बच्चियों के लिए ट्यूशन सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, वोकेशनल सेंटर और दीगर भी भलाई के लिए काम करूंगा। इलेक्शन के बाद आए हुए तमाम बरादरी के मुआज़्ज़िज़ मेहमानों को खाना भी खिलाया गया।